सो दिस इज अंशु एंड चलते हैं डिस्कस करते हैं पार्ट फाइव होने वाला है और ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तेज़ी से फिनिश करने का 20 क्वेश्चंस हैं, मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आ सकते हैं। सो भाई पार्ट फाइव होने वाला है मतलब 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और मैं फोर्थ एग्जाम 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे आउट ऑफ आपका नहीं जाने वाला। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हाल ही में कौन श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। कौन बने? महिंद्रा राजपक्षे बने हुए। अब इनके कब बने हुए ये भी यहाँ पे आता है, तो 9 अगस्त 2020 को। कब बने थे? 9 अगस्त 2020 को बने हुए थे। और मैं एक बात और भाई बता देता हूँ इनके बारे में, ये दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और तीन बार प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ये बने, पहले राष्ट्रपति थे, अभी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ होगा तो रीजन आप सभी जानते हो तो मैनेज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काकस उसे बोलते हैं, मैं भारत बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काकस उसे बोलते हैं 2020 में भाग लेने जा रहा है, यह कहाँ पे होगा? तो बताओ भाई कहाँ पे होगा, तो ये रसिया पे होगा। ठीक है, रसिया की मुद्रा क्या है? रूबल चलता है रसिया पे। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल की बात कर लेते तो मास्को है, और जापान का जो आपका मीन्स कैपिटल है टोक्यो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। आपको जो जो इंग्लैंड की अगर यूके की बात कर लेते तो आपका लंदन है। सो अगर भाग मतलब यहाँ पे कौन कौन से देश जा रहे हैं भाग लेने इसमें, तो भारत के साथ में तो मतलब ये कहाँ पे होगा, तो रशिया में होगा। और भी देश कौन कौन से जा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे काकेसस कहा जाता है इसे, और 150 सैनिक। ठीक है, यहाँ पे 150 सैनिक भारत के जाएंगे एयरफोर्स और नेवी के, जिसमें मध्य एशियाई के गणराज्य के और भी देश होंगे, लाइक चीन होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तुर्की होगा, और लगभग 18 देश और होंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन सेकेंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप सभी स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। हाल ही में हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हुगली नहीं है, जो हुगली रिवर के बारे में चले जाओ कलकत्ता पे, बट कलकत्ता तो ऑप्शन में भी नहीं है, हुबली है। तो हुबली एक रेलवे संग्रहालय है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया, किस स्टेट में किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पूछा है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका पे। ठीक है, कर्नाटका पे, यहाँ पे के पॉलनीस्वामी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, आप अगर बता सकते हो तो यहाँ के आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ के राज्यपाल बताना, गवर्नर बताना भाई आपका, जब मैं रिव्यू दूंगा जब क्वेश्चंस का, देखना यहाँ कि आपका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रहेगा। याद रखना, जो भी देख रहे हो आपको आएंगे, याद आएंगे उस दिन कि हाँ भाई कह रहा था, पढ़ लेते तो फंस जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन थर्ड का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कर्नाटका की बात हो रही है, अब एच डी कुमार स्वामी है। ठीक है, मैंने तमिलनाडु के बता दिया था, चलो तो कर्नाटका की आपको बताना है कि कौन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई, इसे कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लॉन्च की, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लॉन्च की, किस भारतीय राज्य मतलब किस यूनियन टेरेटरी ने लॉन्च किया, तो कौन हो सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ, जान गए ना, सही क्लिक किया, मतलब कौन सा राइट आंसर था? ऑप्शन नंबर सी था, दिल्ली ने लॉन्च किया। ठीक है, दिल्ली ने लॉन्च किया क्वेश्चन नंबर फाइव का, और इसका उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ावा देना है, और प्रदूषण जो होता है आपका पॉल्यूशन उसे डिक्रीज करना है, मतलब कि कम करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI जारी किया, किसने जारी किया? तो उसका नाम है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI जारी किया? तो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये BCI जारी किया है। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली सेबी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आता है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर सेवन पे, तो देखो इंदिरा वन मितान योजना जो परियोजना शुरू की गई है ये भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई। भूपेश बघेल कौन है? ये सीएम ऑफ कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, आप झारखंड के बता सकते हो, रघुवर दास है महाराष्ट्र के बता सकते हो, अभी कौन है? उद्धव ठाकरे है पंजाब के, कौन है? अमरिंदर सिंह है। अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो मुझे यहाँ के झारखंड के गवर्नर का नाम जरूर बता सकते हो। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की जाएगी। कहाँ शुरू की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ का मेन वनवासियों, वहाँ के जो वनवासी हैं ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से वन मितान योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेवन का, क्वेश्चन नंबर एट, भारत की भाई पहली कंपनी है, अभी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कौन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के शीर्ष में 100 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेरम संस्थान और TCS। तो भारत की एक कौन सी इंडस्ट्री है? तो भैया सिंपल सा है, रिलायंस इंडस्ट्री है, जो है मतलब फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 सूची के शीर्ष में 100 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, और ये भारत की पहली एक मतलब पहली कंपनी है जो यहाँ पे स्थान बना पाई है। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नाइन,
रूस की कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम था? स्पुतनिक वी या स्पुतनिक वी क्यों नाम रखा गया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये इसलिए यह नाम किया गया था क्योंकि यह नाम दुनिया के पहले उपग्रह के संदर्भ में था। ठीक है, पहला वो भी था ना स्पुतनिक फर्स्ट। आगे, जनजाति मामलों के संघ मंत्रालय द्वारा कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं? कितने आदिवासियों के किए जा रहे हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा 9। और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, इन्हें कंप्लीट कब तक किया जाएगा? तो 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। कब तक कंप्लीट किया जाएगा? 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11, मुस्तफा अली कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराक के बने हैं। कहाँ के बने हैं? इराक के बने हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वंदे भारत मिशन हाल ही में खबरों में है, यह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन था। ठीक है, जितने भी भारत में मतलब विदेशी जितने भारतीय फंसे हुए थे विदेश में, वंदे भारत मिशन के थ्रू ने भारत पे लाया गया। और ये कब चालू किया था? 7 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 निम्नलिखित में कौन भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना दूत है? इनमें से कौन है? प्रियंका चोपड़ा, सुनील छेत्री, दिया मिर्जा या दीपिका पादुकोण? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया मिर्जा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना दूत हैं? तो वो दिया मिर्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर यहां पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ भाई, एग्जाम आपका क्लोज है, आपके सर पे है, मैं क्लोज पे बोल सकता हूँ। और डेफिनेटली आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने चाहिए, मैं परीक्षा आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, अभी भी करूँगा 20 टेस्ट। और जो भी वाई ग्रुप के टेस्ट बाई करना भाई, मैं कहूँगा जो 40 टेस्ट हैं पहले आप उन्हें मत बाई करना, आप पहले जो नए टेस्ट 20 आए हैं उन्हें बाई करना, क्योंकि उनमें मैंने कंटेंट अच्छा कराया, जो लेटेस्ट और उस पर करंट की भी क्वेश्चन ऐड कराए हैं। तो डेफिनेटली आपको वही करना है क्योंकि पेपर आपका नया होकर आने वाला है। सो आप सभी पुराने वाले क्वेश्चन को छोड़ देना प्लीज़, और नए पे फोकस कर लेना। मतलब उन 40 टेस्टों को अगर आपने पहले खरीदा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी लगाओ। उसके साथ में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एक्सप्लोर वाला जाके कल 110 रुपए में सब मिल जाएंगे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, मैं परीक्षा करता हूं, आप और कहीं भी जाके लगा सकते हो, बट एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ही लगाना। ठीक है, आउट ऑफ मत भग जाना। उसके बाद मेरे 5 टेस्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, जो मैंने आपको फ्री में ही प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी जाओ परीक्षा पे टेस्ट लगाओ, वहां पे लाखों स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, आप उनके बीच कंपीट कर सकते हो, अपना रैंक देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग हुआ टाइम चलेगा। और बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा आपके लिए क्या करा सकते हैं अपन, सो यही है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। बाकी परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सीमा सड़क संगठन BRO अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 मई को मनाता है। कब मनाता है? 7 मई को मनाता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर मतलब 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या है कि गरुड़ है जो पोर्टल, गरुड़ पोर्टल है को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। द गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द विच यूनियन मिनिस्ट्री? गरुड़, ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, गरुड़ नाम का जो एप्लीकेशन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सौरभ लोढ़ा, संजीव प्रताप सिंह, वीके श्रीवास्तव और पवन कुमार को। तो ये जो अवार्ड मिला वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार जो मिला है वो सौरभ लोढ़ा को मिला है। किसे मिला है? सौरभ लोढ़ा को मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आप मतलब कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की? तो ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, कहाँ से? आई आई टी मुंबई से। सो ये अवार्ड मिला सौरभ लोढ़ा को। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को कोविड-19 SCQ टैबलेट्स, आयुर्वेदिक दवाओं और खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य में कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन राहत, मिशन सागर, मिशन मदद, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब जहां मैंने बोला तो आपने क्लिक कर दिया कि हाँ भाई मेरा राइट हो गया, भाई ए नहीं राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मिशन आपका सागर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की किस पावर फार्म के साथ अनुबंध किया है? क्वेश्चन नंबर 19, सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा पावर।
ठीक है, किसके साथ में किया, टाटा पावर के साथ में। एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया गया, तो टाटा पावर के साथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पे, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी गैस लीक हुई थी, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का, तो एस्टराइन गैस हुई थी, एस्टराइन गैस हुई थी, ठीक है, कौन सी गैस हुई थी, एस्टराइन गैस हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, बाकी आप सभी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो डेफिनेटली शेयर करो, और जो आपके डाउट्स बनते हो कॉमेंट सेक्शन जिंदाबाद, मैं तो हुई एंड जो जो और एक बात और बता देता हूँ, पहला नंबर आपको पर्सनल भी कोई डाउट आया करे तो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज कर लिया करो, CHAU चौहान ANSHU चौहान Institute 9 के नाम से मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, जाके मुझे टेक्स्ट करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपसे चैट करूँगा, सब कुछ, ठीक है। बाकी टेस्ट लगाओ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन लगाने की बात ही आप पहले से पाओगे, फर्क पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बाकी टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।